फाइव के फाइनल मैचेस के अंदर एंड यहाँ पे जी बिल्कुल 11 टीम ने एंट्री जरूर मारी है। बात की जाए यहाँ पे सभी टीम्स की जी बिल्कुल ग्रुप बी वर्सेस सी जरूर रहने वाला है। यहाँ पे बात की जाए ईगल आइस जी बिल्कुल स्लॉट नंबर 1 की एंड स्नैक्स की बात की जाए तो यहाँ पे टीम 2 जरूर देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे अगर मैं बाकी टीम्स की बात करूँ टीम गुजरात FSC बिल्कुल भारत ई स्पोर्ट एंड यहाँ पे SC के स्क्वाड की एरो की बात करूँ तो यहाँ पे एरो ने जरूर एंट्री मार ली है जी बिल्कुल एंड फिलहाल बुलसाई की तरफ जरूर जाते हुए देखने को मिलेगी। एंड टीम 9 की मैं अगर बात करूँ यहाँ पे जी बिल्कुल तो यहाँ पे दो अलग अलग स्क्वाड ने जरूर एंट्री मारी है जी बिल्कुल फिलहाल मार्स इलेक्ट्रिका। एंड टीम 11-3 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे रिमनाम के अंदर जरूर देखने को मिलेगी। फिलहाल यहाँ पे जरूर देखते हैं SC के स्क्वाड ने एंट्री जरूर मारी है। और सामने की तरफ से टीम 2 जी बिल्कुल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टीम 2 की तो यहाँ पे ठाकुर FFG बिल्कुल HES के स्क्वाड ने यहाँ पे जरूर मारी और SC के लिए यहाँ पे बैड लक जरूर रहा। यहाँ पे ठाकुर जी बिल्कुल सामने की तरफ किल जरूर कंफर्म करेंगे MP5 से जी बिल्कुल ना सामने स्नैक्स जी बिल्कुल कमान संभाल के जरूर बैठे हैं यहाँ पे। एंड SC से डेमोन एंड एडी जरूर एलिमेट कर दिए गए। एंड बाकी अभी भी 2 प्लेयर टीम 9 के यहाँ पे जरूर देखने को मिलेंगे जी बिल्कुल। अगर बात करूँ मैं यहाँ पे वरुण भाई जी बिल्कुल थोड़ा सा दूर जरूर है यहाँ पे बट एंट्री जरूर मारी है। यहाँ पे टीम 9 के एक प्लेयर जरूर पीछे की तरफ जरूर जाते हुए देखने को मिलेंगे बट यहाँ पे एक प्लेयर जरूर
फंस चुके हैं, देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है जी। बिल्कुल यहाँ पे स्नैक्स थोड़ा सा बेखबर है, यहाँ पे ठाकुर ने जरूर कहीं ना कहीं स्पोर्ट कर लिया सामने से ओल्ड केविन को, एंड यहाँ पे केविन के लिए मुसीबतें जरूर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है यहाँ पे केविन की तरफ से। फिलहाल यहाँ पे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे ठाकुर केविन को, बट देखते हैं कब तक यहाँ पे रोक पाएंगे जी। बिल्कुल यहाँ पे कोशिश जरूर जारी रहेगी, बैक टू बैक यहाँ पे 3 मैचेस जरूर रहने वाले हैं जी। बिल्कुल यहाँ पर कमान जरूर संभाल के बैठेंगे 3 मैचेस के लिए, बट देखते क्या रहने वाला है। बाकी अगर मैं बात करूँ मैप की जी, बिल्कुल यहाँ पे तो मैप जरूर देखने वाला है जॉन की। अगर मैं बात करूँ जॉन काफ़ी ज़्यादा दूर रहने वाला है यहाँ पे जी, बिल्कुल टीम मेट से। एंड यहाँ पे बात की जाए जी बिल्कुल अंकुर भाई की जी, बिल्कुल हार्डकोर बोलते जी, बिल्कुल यहाँ पे हार्डकोर बोलते। बाकी सारी की सारी टीम्स यहाँ पे सेफ जरूर देखने को मिलेगी। हार्डकोर ई स्पोर्ट ने शुरुआती दौर में जरूर 2 या 3 किल कंफर्म जरूर किए हैं मील पे जी। बिल्कुल यहाँ पे एंड टीम 3, 11 एंड 10 जरूर आसपास में जरूर देखने को मिलेगी, आइए नज़र जरूर डालते हैं। और जॉन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जिस तरीके से जॉन बना है यहाँ पे हंगर एंड रिमनाम की तरफ जरूर जाते हुए देखने को मिलेगा, बट देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है जॉन की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जी बिल्कुल फिलहाल टीम भारत ई स्पोर्ट पूरी तरीके से जरूर लूट करती हुई सेंटोसा के अंदर, एंड बात की जाए एरो की तो जी बिल्कुल शिपयार्ड की तरफ जरूर देखने को मिलेगी। यहाँ पे जी बिल्कुल टीम 10 जरूर मुकाबला करेगी यहाँ पे WB के स्क्वाड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुकाबला जरूर करते हुए देखने को मिलेगी। आइए आगे की तरफ जरूर बढ़ते हैं, बात करते हैं टीम 3 की। अगर मैं बात करूं जी बिल्कुल गुजरात ई स्पोर्ट की तो यहाँ पे जी बिल्कुल एक प्लेयर जिगर को जरूर यहाँ पे कहीं ना कहीं खो दिया है, बाकी कमान जरूर गॉड फादर जेडी चौधरी नर्स के ऊपर है, बट देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है। 0-0 किल के साथ हंगर के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। इन बात की जाए FS के स्क्वाड की तो यहाँ पे मिस्टर एनी जी बिल्कुल यहाँ पे एलिमेट जरूर कर दिया गया है, मिथ फिरोज एंड हर मैन जरूर देखने को मिलेंगे। 3 प्लेयर यहाँ पे रिवॉयल पॉइंट की तरफ जरूर बढ़ते हुए देखने को मिला नहीं जी, बिल्कुल बड़े जरूर है यहाँ पे, बड़े देखते हैं क्या। मरना नहीं है जी, बिल्कुल मरना नहीं है, जिंदा रहना यहाँ पे। एंड भारत स्पोर्ट फिलहाल पूरी तरीके से सेफ जरूर है, एंड हमारे ग्रुप AB में भी इन्होंने मैच जरूर खेला था, वहाँ से क्वालिफाई होकर जरूर यहाँ पे आई है, एंड काफ़ी बढ़िया गेम प्ले जरूर रहा था यहाँ पे भारत स्पोर्ट का जी बिल्कुल। एंड बात की जाए यहाँ पे SG के स्क्वाड की तो यहाँ पे टोटो जरूर एलिमिनेट हो चुके हैं, यहाँ पे 3 प्लेयर जरूर बचे हैं, बट देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है। यहाँ पे टोटो की वापसी होती है या नहीं होती है, बट कोशिश जारी जरूर रहेगी टीम मेट्स की। एंड अगर मैं बात करूं एरो की तो जी बिल्कुल एरो से यस जरूर देखने को मिलेंगे, एंड यहाँ पे टीम 9 के एक प्लेयर ने जरूर एंट्री की, एंड बट देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है SC के स्क्वाड की तरफ से। एंड यहाँ पे एरो से यस शायद कहीं ना कहीं बेखबर जरूर है एनिमी की लोकेशन से, एक बार जरूर देख लेते कितनी दूरी जरूर है दोनों के बीच में, बट यहाँ पे जी बिल्कुल SC से वाइड पीछे की तरफ जरूर है, एंड यहाँ पे यस जी बिल्कुल अपनी टीम से काफ़ी ज़्यादा दूर देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे बात की जाए एरो से डिवाइन जी बिल्कुल यहाँ पे वाइड के सामने जरूर है, एंड डिवाइन जी बिल्कुल जरूर मुकाबला करेंगे, एंड देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है। AP डिवाइन की रिएक्शन सामने की तरफ SC वाइड की ऊपर जी बिल्कुल यहाँ पे वाइड पे अगर नज़र पड़ती है यहाँ पे स्पोर्ट करते हैं तो यहाँ पे दिक्कत जरूर खड़ी हो सकती है टीम 9 के लिए। एंड यहाँ पे शुरुआती दौर में हार्डकोर स्पोर्ट से ऑलरेडी पिट जरूर गई थी मील के ऊपर, एंड यहाँ पे मेरे ख्याल से वाइड अकेले सोलो प्लेयर जरूर बचेंगे अपनी टीम से टीम 9 से जी बिल्कुल SC से। एंड यहाँ पे फिलहाल एरो से यस आगे की तरफ जरूर बढ़ते हुए यहाँ पे 1 मैन आर्मी की मैं बात करूँ तो जी बिल्कुल यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने टीम मेट को कवर फायर देने के लिए यहाँ पे जरूर पहुँच चुके हैं जी बिल्कुल यहाँ पे। एंड बात की जाए यहाँ पे अंश जी बिल्कुल, और यहाँ पे एक प्लेयर को जरूर एलिमिनेट किया है टीम 9 से वाइड को, एंड यहाँ पे खाता जरूर खोला है एरो से यस ने जी बिल्कुल। एंड आगे की तरफ अगर मैं बड़ू टीम डिलेट की बात करूँ तो यहाँ पे जी बिल्कुल 3 किल के साथ जरूर देखने को मिलेगा। एंड शील्ड की बात करूँ 0 किल सचिन फिलहाल यहाँ पे जी बिल्कुल अकेले सोलो प्लेयर जरूर देखने को मिल रहा है यहाँ पे ऑब्जर्विटी के अंदर जी बिल्कुल यहाँ पे। एंड कमान जरूर संभाल के रोक के जरूर रखें SG को, एंड यहाँ पे सचिन ने 3 किल जरूर निकाले, खाता जरूर खोला है यहाँ पे डिलेट से। शील्ड नॉकआउट जरूर हुए हैं जी बिल्कुल, एक और प्लेयर नॉकआउट जरूर सामने की तरफ जी बिल्कुल डिलेट से। एंड यहाँ पे AV जरूर बचे सामने की तरफ, WB मुकाबला करते हुए जरूर देखने को मिलेगा। बैड लक जरूर रहा है टीम डिलेट के लिए यहाँ पे कैटलोसा काफ़ी ज़्यादा, एंड सामने की तरफ नॉकआउट जरूर किया एक प्लेयर को। एंड यहाँ पे जी बिल्कुल WB के एक प्लेयर ने जरूर एंट्री मारी है, एंड यहाँ पे M18 का यूज़ करते हुए जरूर देखने को AV फाइनल नॉकआउट। यहाँ पे सचिन भी कहीं ना कहीं मुसीबतों में जरूर देखने को मिलेंगे जी बिल्कुल 3 किल के साथ में, बट यहाँ पे अब थोड़ी सी सूझबूझ के साथ एक शानदार गेम प्ले जरूर करना होगा, वरना यहाँ पे दिक्कतें जरूर कड़ी हो सकती है जी बिल्कुल। वी ब्रॉस आई है जी बिल्कुल, वी ब्रॉस ने भी एंट्री जरूर की है यहाँ पे, एंड आगे जरूर बढ़ते हैं बिल्कुल SC से जी बिल्कुल। डेमोन सोलो प्लेयर यहाँ पे खुद को रोक के जरूर रखे, ऊपर टीम 2 की एंट्री जरूर
देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। एंड यहाँ पे वी ब्रोस से बात की जाए तो तीन ही प्लेयर ने एंट्री मारी है, बट यहाँ पे काफी शानदार गेम प्ले जरूर रहा है, एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन के साथ गेम प्ले जरूर किया। और वी ब्रोस से बात करूँ रोहित की तो दो किल के साथ जरूर देखने को मिलेगा। ड्रैग की बात की जाए तो यहाँ पे एक किल के साथ जरूर देखने को मिलेगा। सुप्रीम की बात की जाए तो यहाँ पे एक किल के साथ में, जी बिल्कुल, काफी बढ़िया कोऑर्डिनेशन के साथ तीनों प्लेयर एक साथ गेम प्ले करते हुए जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात की जाए ए सी एच की तो यहाँ पे दो ही प्लेयर ने एंट्री जरूर मारी है। बात की जाए नादिर एंड रिक, जी बिल्कुल, यहाँ पे नादिर के खाते में दो किल जरूर देखने को मिलेगा। रिक की बात की जाए तो यहाँ पे जी बिल्कुल जीरो किल के साथ जरूर देखने को मिलेगा। बात की जाए टीम ईगल आइस की तो जी बिल्कुल यहाँ पे दीप जीरो किल के साथ में जरूर देखने को मिलेंगे। देवा दीप एंड नबड़ी जीरो जीरो किल के साथ में जरूर देखने को मिलेंगे यहाँ पे। जी बिल्कुल, यहाँ पे फैक्ट्री के पास जरूर है फिलहाल, यहाँ पे क्लॉक टावर की तरफ जरूर बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे यहाँ पे। एंड आगे जरूर बढ़ूँ मैं, बात करूँ जी बिल्कुल यहाँ पे एच ई एस की तो यहाँ पे जी बिल्कुल थोड़ी सी मुसीबत में जरूर यहाँ पे, जी बिल्कुल यहाँ पे एरो से मुकाबला करते हुए जरूर देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे स्नैक्स फाइनली नॉकआउट, ठाकुर को भी नॉकआउट जरूर कर दिया गया एरो द्वारा। एंड यहाँ पे कमान जरूर वरुण एंड अक्सर के कंधों पर, देखते हैं एरो से कितनी देर मुकाबला कर पाएंगी यहाँ पे ये टीम्स। फिलहाल कमान संभाल के जरूर बैठे हैं, ठाकुर को रिवाइव जरूर मिला है फिलहाल यहाँ पे, बट आउट ऑफ जोन यहाँ पे जोन भी कहीं ना कहीं श्रिंक होते हुए देखने को मिलेगा। एरो से अंश सामने की तरफ जरूर देखने को मिलेगा यहाँ पे, जी बिल्कुल खुद को ग्लोबल के कवर में जरूर लिया है यहाँ पे आख सर फाइनली नॉकआउट जरूर। एरो से अंश भी नॉकआउट जरूर कर दिया गया यहाँ पे, ठाकुर पीछे की तरफ पैराफिल का यूज करते हुए यहाँ पे किल जरूर कंफर्म किया गया। एंड देखते हैं कब तक रोक पाएंगे यहाँ पे, एरो से अंश भी सामने की तरफ नॉकआउट है, ठाकुर को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे डीवाइन ए बी डी वाइन, जी बिल्कुल यहाँ पे वुड पैकर का यूज करते हुए जी बिल्कुल ठाकुर के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बढ़ती हुई यहाँ पे डी वाइन, जी बिल्कुल बैक टू बैक किल निकाले, दो किल जरूर निकाले यहाँ पे, दो प्लेयर जरूर सेफ है जी बिल्कुल यहाँ पे, अगर एलिमिनेट हो जाएंगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा बैड लक जरूर रहने वाला, और एक प्लेयर की ओवर एंट्री यहाँ पे होते हुए जी बिल्कुल यहाँ पे मुसीबत में जरूर यहाँ पे सामने से वरुण को नॉकआउट जरूर किया गया जी बिल्कुल। एच ई एस के लिए बैड लक जरूर रहने वाली है यहाँ पे एरो की ये टीम, जी बिल्कुल ठाकुर मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सोलो प्लेयर जरूर बचे हैं यहाँ पे ए बी डी वाइन, जी बिल्कुल एरो से यस काफ़ी बढ़िया डिसीजन जरूर लिया यहाँ पे रुक कर, जी बिल्कुल अपने टीम मेट वन मैन आर्मी एंड अंश को यहाँ से रिवाइव जरूर करेंगे जी बिल्कुल। एंड क्या कुछ रहने वाला, क्या रिवाइव कर पाने में कामयाब हो जाएंगे जी बिल्कुल। फिलहाल पीछे से ठाकुर जरूर एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, रोकने की कोशिश करेंगे यस को जी बिल्कुल, बट काफ़ी ज़्यादा कामयाबी जरूर मिल चुकी है। कुछ सेकंड अगर यहाँ पे ये टिक पाएंगे तो जी बिल्कुल यहाँ पे रिवाइव जरूर हो जाएंगे, और मेरे ख्याल से यहाँ पे ईजिली टिक पाएंगे, फिलहाल यहाँ पे सेफ जरूर है। एंड बात की जाए एच एस ठाकुर काफ़ी ज़्यादा पीछे जरूर है, बट देखते हैं क्या कुछ रहने वाला। फिलहाल चार किल के साथ में टीम एरो एक शानदार गेम प्ले करते हुए जरूर देखने को मिलेगा। ए बी डी वाइन की मैं बात करूँ गेम प्ले की तो जी बिल्कुल यहाँ पे आप देख रहे हो तीन किल के साथ एक शानदार गेम प्ले जरूर यहाँ पे, काफी बढ़िया तरीके से सिचुएशन को हैंडल जरूर किया यहाँ पे डी वाई ने जी बिल्कुल। एंड आगे की तरफ जरूर बढ़ता है, एससी की मैं बात करूँ यहाँ पे तो जी बिल्कुल एक किल के साथ फिलहाल यहाँ पे एडी को जरूर रिवाइव मिला है, डिमोन फिलहाल यहाँ पे जरूर एलिमेट देखने को मिल रहे हैं। बात की जाए यहाँ पे केविन जी बिल्कुल क्लॉक टावर तक जरूर पहुंच चुके हैं। वाइड की मैं बात करूँ यहाँ पे तो फिलहाल जॉन की तरफ जरूर बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बात की जाए विब्रोज की तो जी बिल्कुल यहाँ पे इस टीम का एक गेम प्ले काफी बढ़िया देखने को मिला, तीन ही प्लेयर्स बिना एलिमिनेट हुए छह किल निकाल के जरूर रखे इन्होंने यहाँ पे, शानदार गेम प्ले जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे रोहित की मैं बात करूँ तो यहाँ पे तीन किल के साथ जरूर गेम प्ले करते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पे एयरड्रॉप जी बिल्कुल मंगवाया जरूर गया। यहाँ पे बात करूँ मैं ड्रैग की तो यहाँ पे जीरो किल के साथ ड्रैगो भाई देखने को जरूर मिलेंगे। सुप्रीम भाई की बात की जाए तो यहाँ पे एक किल जरूर निकाला है जी बिल्कुल यार। एंड आगे जरूर बढ़ेंगे, ए सी एच की बात करूँ तो यहाँ पे बिल्कुल दो किल के साथ जरूर देखने को मिलेगा। ईगल आइस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जी बिल्कुल दीप के खाते में दो किल जरूर देखने को मिलेंगे जी बिल्कुल, एक एक किल्स बाकी दो प्लेयर ने निकाले हैं यहाँ पे जी बिल्कुल देवा एंड दीप ने। और यहाँ पे अगर मैं जॉन की बात करूँ तो जॉन एकदम इस बार कहीं ना कहीं ओपन जरूर रहने वाला, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जी बिल्कुल नाइन अलग अलग स्क्वाड जरूर देखने को मिलेंगे इस छोटे से जोन के अंदर, और यहाँ से कौन सी टीम भैया निकालने वाली। फिलहाल यहाँ पे टीम गुजरात जी बिल्कुल एसजी से मुकाबला जरूर करेगी। एंड यहाँ पे एच ई एस से जी बिल्कुल यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं दो ही प्लेयर देखने को मिलेंगे, स्नैक्स एंड ठाकुर, अक्सर एंड वरुण फिलहाल यहाँ पे एलिमिनेट जरूर कर दिए गए। एस सी से एक और प्लेयर नॉकआउट जरूर हुआ है वॉइड जी बिल्कुल यहाँ पे। एंड भारतीय स्पोर्ट धीरे धीरे अपनी कहीं ना कहीं जगह जरूर बना रही है जी बिल्कुल, आउट ऑफ जोन जरूर सर्वाइव कर रही है, और लास्ट जोन में जी बिल्कुल फाइट कहीं ना कहीं लेगी जी बिल्कुल यहाँ पे। एंड फिलहाल क्लॉक टावर पे एकदम सेफली गेम प्ले करते हुए जरूर देखने को मिलेगी ईगल आइस की ये टीम, नाइन टीम्स जी बिल्कुल यहाँ पे। एन एस जी से अकेले सोलो प्लेयर सिंपल .10 जरूर बचे हैं, देखते हैं क्या कुछ रहने वाला। और गुजरात की बात करूँ मैं यहाँ पे तो जी बिल्कुल जिगर एंड हर्ष के कंधों पे जरूर कमान देखने को मिलेगी गुजरात ईस्पोर्ट्स से। आज मंथन भाई की गुजरात ईस्पोर्ट्स से एंट्री नहीं हुई है उनकी जगह पे खेलने के लिए, उनके बैकअप प्लेयर जिगर ने जरूर यहाँ पे
एंट्री मारी है, बट देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है यहाँ पे जी। बिल्कुल, और यहाँ पे बिल्कुल क्लॉक टावर के अंदर एंट्री जरूर मार चुकी है यहाँ पे जी। बिल्कुल एरो की टीम, आइए मैच की तरफ चलते हैं, यहाँ पे फाइट का जरूर आनंद लेंगे। एंड यहाँ पे बात की जाए तो जी बिल्कुल यहाँ पे जी दीप भाई ईगल आई से जी बिल्कुल यहाँ पे कमान संभाल के जरूर बैठे, 2 किल के साथ में मुकाबला करेंगे टीम एरो से सामने की तरफ जी। बिल्कुल नीचे की तरफ आप अंश डिवाइन को जरूर देख सकते हो, यहाँ पे 1 मैन आर्मी एंड यस जी बिल्कुल सामने की तरफ जरूर देखने को नेटबाजी जरूर हुई है एरो के ऊपर, बढ़ देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है एरो का मुकाबला जी। बिल्कुल ईगल आई से जी बिल्कुल बात की जाए तो दोनों टीम्स आपस में टक्कर देने के लिए जरूर रेडी है। यहाँ पे एयरड्रॉप का सारा जरूर लिया गया, 1 मैन आर्मी एरो यस एंड अंश जी बिल्कुल AB D1 जी बिल्कुल काफ़ी बढ़िया गेम प्ले करते हुए देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे टीम एरो से जी। बिल्कुल सामने टीम ईगल आइज जी बिल्कुल यहाँ पे ओल्ड केविन भी कहीं ना कहीं एंट्री जरूर मारते हैं, और भारत ई स्पोर्ट ने अपनी जगह जरूर बना ली है क्लॉक टावर के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो जी। बिल्कुल यहाँ पे एंड यहाँ पे ईगल आइज के लिए थोड़ी सी मुसीबतें जरूर खड़ी कर सकते हैं, यहाँ पे टीम 9 से केविन नॉकआउट जरूर देखने को मिलेंगे। मेरे ख्याल से फिलहाल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन, पर एक शानदार गेम प्ले जरूर देखने को मिला है, यहाँ पे केविन नॉकआउट जरूर कर दिया गया, बट भारत ई स्पोर्ट से ऋषभ भी नॉकआउट जरूर है। अब यहाँ पे दिक्कतें जरूर बढ़ने वाली है जी बिल्कुल सारी की सारी टीम्स के लिए, जॉन कहीं ना कहीं ओपन में जरूर रहने वाला, और टीम 10 की मैं बात करूँ तो जी बिल्कुल जिनका गेम प्ले काफ़ी शानदार जरूर देखने को मिला दोनों बड़ी टीम से एक दूसरे के आमने सामने, वी ब्रोज वर्सेस यहाँ पे जी बिल्कुल एरो रहने वाली है। यहाँ पे HES ठाकुर अकेले जरूर कमान संभाल के बैठे हैं, देखते हैं कब तक टीम की पोजीशन रोक पाएंगे। फिलहाल किल तो 6 निकाल जरूर लिए यहाँ पे, बट यहाँ पे बाकी 3 प्लेयर एलिमेंट जरूर हो चुके हैं। यहाँ पे ठाकुर अकेले सोलो प्लेयर यहाँ पे मटर गश्ती करते हुए जरूर देखने को मिलेंगे, यहाँ पे लेट लेट कर कब तक टीम की पोजीशन बचा पाते हैं, पर देखते हैं कोशिश जरूर करनी चाहिए अपनी टीम के लिए, कोशिश करने में किसी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए अपनी टीम के लिए जी। बिल्कुल चाहे लेटो चाहे खड़े हो चाहे भागो अपनी टीम के लिए, और सामने से वी ब्रोज की एंट्री होते हुए जरूर देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे भारतीय स्पोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे जी बिल्कुल सामने से एरो की टीम जरूर देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे आगे की तरफ बढ़े तो एरो फिलहाल यहाँ पे 4 किल के साथ गेम प्ले करते हुए जरूर देखने को मिलेगी जी बिल्कुल। एंड यहाँ पे 1 किल के साथ यस एंड AB D1 अब तक सबसे बढ़िया और एक शानदार गेम प्ले करते हुए अपनी टीम के लिए 3 किल के साथ जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे जॉन में जाने में कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर खड़ी कर सकती है जी बिल्कुल। सामने से भारत ई स्पोर्ट ईगल आई का ये स्कोर जरूर देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे एक सेफली रोटेशन ले लेते तो काफ़ी बढ़िया जरूर रहेगा। एंड मैं बात करूँ जी बिल्कुल SC की तो यहाँ पे डिमोन सोलो प्लेयर जरूर देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे वी ब्रोज की बात करूँ तो जी बिल्कुल इनके गेम प्ले की तारीफ की जाए उतनी कम है जी बिल्कुल। 3 प्लेयर्स जरूर है बट यहाँ पे 10 किल निकाल के जरूर निकाल के रखे हैं यहाँ पे जी बिल्कुल। एंड टीम इलेवन से रिक सामने की तरफ सोलो प्लेयर जरूर देखने को मिल रहा है, बट देखते हैं कब तक यहाँ पे टिक पाएंगे। जॉन में जरूर आ चुकी है वी ब्रोज की ये स्क्वाड 10 किल के साथ में जी बिल्कुल। आगे की तरफ जरूर बढ़ेंगे, यहाँ पे 2 ही प्लेयर ने एंट्री जरूर मारी थी ACH के, बट यहाँ पे रिक सोलो प्लेयर जरूर है यहाँ पे। एंड यहाँ पे सफर जरूर खत्म होता है ईगल आइस के द्वारा, फिलहाल ईगल आइस जी बिल्कुल 5 किल के साथ जरूर देखने को मिलेगी। एंड एक बार सभी प्लेयर की पोजीशन जरूर देख लेते हैं, यहाँ पे एक तरफ ईगल आइस देखने को मिलेगी, एक तरफ आपको यहाँ पे एरो की टीम एंड भारत ई स्पोर्ट भी कहीं ना कहीं आसपास में जरूर देखने को मिलेगी। वी ब्रोज की बात करूँ तो यहाँ पे एक सेफली बढ़िया सा रोटेशन जरूर ले लिया है 3 प्लेयर्स ने जी बिल्कुल, 5 टीम्स आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ से कौन सी टीम बुइया निकालने वाली है, बैक टू बैक 3 मैचेस जरूर रहने वाले हैं, बट देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है यहाँ पे जी बिल्कुल। ईगल आइस की बात करूँ तो सामने से भारतीय स्पोर्ट्स से डायमंड जरूर नॉकआउट यहाँ पे एरो से यस जी बिल्कुल, लॉन्चर का यूज़ करेंगे फिलहाल यहाँ पे सेफली। एंड अंश यहाँ पे नॉकआउट जरूर देखने को मिलेगी, किल जरूर कंफर्म किया दीप ने 3 किल के साथ, गेम प्ले करते हुए जरूर सामने से एरो के ऊपर रश जरूर करेंगे जी बिल्कुल। यहाँ पे 4 प्लेयर सेफ जरूर, एक रोटेशन जरूर लिया फिलहाल यहाँ पे आउट ऑफ जोन जाकर। एंड आगे मैं बढ़ूँ यहाँ पे एरो की बात करूँ तो 7 किल के साथ जरूर देखने को मिलेंगे, एरो यस की बात करूँ तो यहाँ पे 3 किल 1 मैन आर्मी 0 किल के साथ में, AB D1 यहाँ पे 4 किल के साथ में जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिवाइन भाई की मैं बात करूँ तो इनके गेम प्ले पर जरूर नजर डालनी चाहिए, और सामने की तरफ एरो को ईगल आइज को जरूर झटका दिया, एक और किल कंफर्म जरूर किया डिवाइन के खाते में, ये 5 किल आते हुए जरूर देखने को मिलेगा। ईगल आइज के लिए बैड लक जरूर, बैक टू बैक दूसरा प्लेयर यहाँ पे नॉकआउट जरूर कर दिया गया है जी बिल्कुल ईगल आइज का जी बिल्कुल। यहाँ पे दीप ने जरूर एंट्री मारी है, यहाँ पे थोड़ी सी मुसीबत जरूर खड़ी कर सकते हैं एरो के लिए, बट देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है। एरो से डिवाइन यहाँ पे नॉकआउट जरूर कर दिया गया, एक शानदार गेम प्ले दीप का, बट ये एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पे जरूर की है इन्होंने, इस तरीके से सोलो प्लेयर ने यहाँ पे रस नहीं करना चाहिए था जी बिल्कुल। डिवाइन फिलहाल यहाँ पे सेव जरूर करते हुए, यहाँ पे यस की बात करूँ तो 3 किल के साथ जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे 1 मैन आर्मी ने अपना खाता जरूर खोला लास्ट जोन के अंदर जी बिल्कुल,
तीन टीम जरूर देखने को मिलेगी यहाँ पे 6 प्लेयर के साथ में। एक और एंट्री यहाँ पे जी बिल्कुल सामने की तरफ जरूर देखने को मिलेगी जी बिल्कुल। एंड एक बार पोजीशन जरूर देख ले सभी प्लेयर्स की मैं बात करूँ, वी ब्रोस मुकाबला जरूर करेगी और यहाँ पे वी ब्रोस से सुप्रीम नॉकआउट जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे रोहित मेरे ख्याल से सोलो प्लेयर, एंड यहाँ पे बात की जाए ईगल आई से जी बिल्कुल देवा सोलो सोलो प्लेयर जरूर देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे फिलहाल एरो के 3 प्लेयर जी बिल्कुल एक शानदार गेम प्ले करते हुए जरूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे रोहित भाई वी ब्रो से यहाँ पे मुसीबत में जरूर फंस चुके हैं, यहाँ पे बूस्टर का यूज जरूर करते हुए एक रोटेशन जरूर लिया है, खुद को सेव जरूर करेंगे। यहाँ पे 1 मैन आर्मी सामने की तरफ, एंड यहाँ पे वी ब्रोस के लिए मुसीबतें जरूर बढ़ती हुई, और यहाँ पे रोहित भाई की हेल्थ काफी ज्यादा डाउन देखने को जरूर मिलेगी। और यहाँ पे फाइनली 1 मैन आर्मी ने लास्ट जोन में बैक टू बैक 3रा किल अपने खाते में जरूर जोड़ा, और यहाँ पे सामने की तरफ जी बिल्कुल एरो एस यहाँ पे नॉकआउट जरूर कर दिए गए थे ईगल आइज द्वारा, बट यहाँ पे एक शानदार वुइया जरूर देखने को मिलेगा जी बिल्कुल। यहाँ पे सोलो प्लेयर हमारा ठरकी ठाकुर जी बिल्कुल यहाँ पे, एंड यहाँ पे जी बिल्कुल एरो से MVP AB डिवाइन जरूर देखने को मिलेंगे। आइए मैच के रिजल्ट पे नजर जरूर डालते हैं क्या मैच का रिजल्ट रहने वाला। अगर मैं एरो की बात करूँ यहाँ पे तो 13 किल के साथ एक शानदार भुया जरूर निकाला है। यहाँ पे अंश के खाते में 0 किल जरूर देखने को मिलेंगे, यहाँ पे जी बिल्कुल कामयाबी नहीं मिली अंश भाई को, बट एक काफ़ी बढ़िया कवर फायर जरूर दिया है। ईगल आइज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 6 किल के साथ सेकंड पोजीशन पर जरूर देखने को मिलेगी। एंड वी ब्रोज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 12 किल के साथ 3rd पोजीशन पर जरूर देखने को मिलेगी। अकेले रोहित भाई लास्ट जोन में कहीं ना कहीं अकेले जरूर पड़ चुके थे, बट देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है जी बिल्कुल यहाँ पे 12 किल के साथ में। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट रूम के अंदर, छोटा सा ब्रेक जरूर लेते हैं हम यहाँ पे। तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया, तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहता है। तेरे बिना फाइनली हम आ चुके हैं प्रॉपर्टी मैप के अंदर, और आज के हमारे सेकंड मैच जरूर रहने वाला है। इसके बाद एक और मैच जो कि कलहरी में जरूर चलने वाला है जी बिल्कुल, एंड इस बार जरूर देखने वाला है। ACH से यहाँ पे 3 प्लेयर ने जरूर एंट्री मारी है, एंड मैप की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आले 11 स्क्वाड ने एंट्री जरूर की है, एंड SC का स्क्वाड फिलहाल यहाँ पे ब्लू जोन की तरफ जरूर बढ़ते हुए देखने को मिला। यहाँ पे डिलीट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1 प्लेयर्स मार्बल वर्क्स की तरफ, एंड कुछ प्लेयर्स फील्ड की तरफ जरूर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड FF की जी बिल्कुल मैं यहाँ पे बात करूँ HES के स्क्वाड जी बिल्कुल, सॉरी ईगल आइस के स्क्वाड की, तो यहाँ पे मार्बल वर्क्स के अंदर एंट्री जरूर की, और यहाँ पे टीम डिलेट ने भी एंट्री जरूर मारी है। एंड बात की जाए टीम गुजरात की तो क्यूरी की तरफ जरूर जाते हुए देखने को मिलेगी। भारत स्पोर्ट की मैं बात करूँ तो MT विल्ला के अंदर जरूर देखने को मिलेगी, प्लस सेंट्रल को जरूर कवर किया है यहाँ पे टीम एरो ने। और FS के स्क्वाड की बात करूँ तो फायर ब्रिज के पास जरूर देखने को मिलेगी। एंड वी ब्रोस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो लंबर मील के पास जरूर कहीं ना कहीं एंट्री जरूर मारी है इन्होंने जी बिल्कुल यहाँ पे। देखते हैं क्या कुछ रहने वाला इस मैच का रिजल्ट। लास्ट मैच तो आपने जरूर कहीं ना कहीं देख ही लिया होगा किस तरीके से यहाँ पे टीम एरो ने बुइया जरूर निकाला था जी बिल्कुल। क्रॉस रोड के अंदर बात करूँ SCH के स्क्वाड की तो यहाँ पे फिलहाल पूरी तरीके से सेफ जरूर देखने को मिलेंगे, बट अभी फिलहाल नज़र जरूर डाल के रखते हैं बाकी प्लेयर्स के ऊपर एंड क्या कुछ रहने वाला है जी बिल्कुल यहाँ पे प्लेयर्स की ऊपर। एंड एक छोटे से ब्रेक के अंदर हम मिलते हैं आपको वहीं पे वापस, एंड एंट्री जरूर करेंगे मैच के अंदर जी बिल्कुल यहाँ पे।
एसीएच की बात करूँ तो फिलहाल पूरी तरीके से सेफ जरूर है। एंड बात की जाए ईगल आइस की तो जी बिल्कुल टीम डिलेट से मुकाबला जरूर करने के लिए पहुंच चुके हैं। यहाँ पे दीप भाई फिलहाल खाता जरूर खुला है यहाँ पे ईगल आइस का। एंड यहाँ पे दीप भाई एक किल के साथ जरूर देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे सामने जी बिल्कुल सॉफ्टिक पे यहाँ पे शॉर्ट कट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पे स्कोप जरूर ऑन किया, यहाँ पे डैमेज जरूर पड़ा है जी बिल्कुल, एंड खुद को रोकेंगे जरूर। एंड बात की जाए तो यहाँ पे जी बिल्कुल देवा कमान संभाल के जरूर बैठे हैं। यहाँ पे सचिन के ऊपर शॉर्ट कट करने की कोशिश करते हुए यहाँ पे दीप भाई काफ़ी ज़्यादा पास जरूर पहुंच चुके हैं टीम डिलीट के। एंड देखते हैं कब तक टीम डिलीट को यहाँ पे रोक पाते हैं या फिर एलिमिनेट कर पाते हैं जी बिल्कुल। एंड बात की जाए फोर्थ प्लेयर की तो यहाँ पे फिलहाल सेफ जरूर है, बट यहाँ पे एनिमी की पोजीशन से कहीं ना कहीं बेखबर जरूर है सचिन जी बिल्कुल। पैराफिल का यूज़ करते हुए जरूर देखने को मिलेगा। एक प्लेयर ईगल आई के जी बिल्कुल दीप ने एंट्री जरूर कर ली है यहाँ पे, एंड एक प्लेयर जरूर नॉकआउट हुआ ईगल्स आई का। फिलहाल फर्स्ट प्रायोरिटी प्लेयर को यहाँ पे जी बिल्कुल रिवाइव करने की जरूर रहेगी। यहाँ पे ग्लूवल डाल के आगे की तरफ जरूर बढ़े यहाँ पे प्लेयर को रिवाइव करने के लिए। सेफली रिवाइव जरूर टीम डिलीट से यहाँ पे सचिन एलिमेट जरूर कर दिए जाएंगे। देवा का एक शानदार रोटेशन जरूर देखने को मिला है जी बिल्कुल यहाँ पे। देवा भाई पे जरूर नज़र डालेंगे जी बिल्कुल, रोटेशन काफ़ी बढ़िया तरीके से। एंड यहाँ पे डिलीट से सॉफ्टिक यहाँ पे कहीं ना कहीं मुसीबत में जरूर फंस सकते हैं। यहाँ पे फाइनली दीप के खाते में एक किल जरूर आया है। यहाँ पे लैंडमाइन जरूर लगाई है, लैंडमाइन को जी बिल्कुल डिस्ट्रॉय जरूर किया है, पर देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है। यहाँ पे बात की जाए टीम गुजरात की तो यहाँ पे जी बिल्कुल हर जरूर नॉकआउट देखने को मिलेंगे। एंड क्या कुछ रहने वाला है यहाँ पे जगदीश भाई जी बिल्कुल, गॉड फादर एंड जेडी चौधरी जी बिल्कुल एक और किल जरूर कंफर्म किया भारतीय स्पोर्ट का जी बिल्कुल। यहाँ पे सामने की तरफ एक किल अपने खाते में लेते हुए जगदीश भाई। एंड बात की जाए गॉड फादर जरूर थोड़ा सा पीछे की तरफ जरूर देखने को मिलेगा, बाकी दो प्लेयर ऊपर की तरफ जरूर देखने को मिलेंगे यहाँ पे जी बिल्कुल भारतीय स्पोर्ट के। एंड आगे की तरफ बात करूँ मैं एफ एस के स्क्योर की तो यहाँ पे फिलहाल 0-0 किल के साथ जरूर देखने को मिलेंगे एनी मिथ फिरोज एंड हरमैन जी बिल्कुल यहाँ पे। एंड बात की जाए भारतीय स्पोर्ट जी बिल्कुल, बाकी दो प्लेयर को वापसी यहाँ पे रिवाइव जरूर मिली है। एंड बढ़ देखते हैं कब तक क्या रहने वाला है जी बिल्कुल, बाकी प्लेयर्स के लिए नज़र जरूर डाल के रखेंगे। भारतीय स्पोर्ट एक किल जरूर निकाला है यहाँ पे। एंड बात की जाए डायमंड 0 किल के साथ यहाँ पे फास्टर जी बिल्कुल गुजराती स्पोर्ट को रोकने की कोशिश जरूर करते हुए यहाँ पे AN994 का यूज़ करते हुए जरूर देखने को मिलेंगे। ऊपर होने का थोड़ा सा एडवांटेज जरूर मिलेगा यहाँ पे जेडी चौधरी पे जी बिल्कुल, डैमेज जरूर किया जगदीश भाई भी यहाँ पे कहीं ना कहीं डैमेज जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे अफजल भाई की मैं बात करूँ तो जी बिल्कुल वुड पैकर का यूज़ करते हुए देखने को जरूर मिलेंगे। यहाँ पे एक बार प्लेयर के पोजिशन की मैं बात करूँ जी बिल्कुल तो भारतीय स्पोर्ट की पोजीशन आप जरूर देख सकते हो, सामने से तीनों प्लेयर किस तरीके से एक पोजीशन लेके जरूर खड़े हैं यहाँ पे। एंड ऋषभ भाई जी बिल्कुल एक रोटेशन जरूर लेते हुए यहाँ पे जगदीश भाई को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, ऊपर होने का एडवांटेज जरूर ले सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक अच्छा सा रोटेशन लेकर जगदीश भाई को रोकने की कोशिश क्या कुछ रहती है मेरे ख्याल से यहाँ पे ऋषभ भाई कहीं ना कहीं जगदीश भाई की पोजीशन से बेखबर जरूर है यहाँ पे जी बिल्कुल। एंड एक रोटेशन लेने में कामयाबी जरूर मिली यहाँ पे जगदीश भाई को, अगर ये इस रोटेशन में कामयाब हो जाते तो यहाँ पे भारतीय स्पोर्ट को जरूर झटके लग सकते हैं जी बिल्कुल यहाँ पे, कि बाजी कहीं ना कहीं पलट सकती है जी बिल्कुल। जे डी चौधरी का ये स्कोर जी बिल्कुल गुजराती स्पोर्ट ऊपर की तरफ जरूर एडवांटेज ले सकती है जी बिल्कुल, जो एडवांटेज का लॉस इन्होंने खाया है भारतीय स्पोर्ट ने नीचे आके, वो एडवांटेज जी बिल्कुल गुजराती स्पोर्ट के लिए जरूर रहने वाला है सामने की तरफ से जी बिल्कुल। आगे की तरफ जरूर बढ़ेंगे बाकी टीम्स की तरफ। एंड यहाँ पे बात की जाए बिल्कुल एस जी के स्कोर की तो यहाँ पे 4 किल के साथ जरूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बात करूँ मैं टोटो भाई की तो 2 किल के साथ जरूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इंसान 0 किल के साथ में सिंपल 1 किल के साथ मैन अलान भाई 1 किल के साथ जरूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एरो की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेंट्रल के अंदर जी बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ जरूर है, यहाँ पे सेफ लैंडिंग जरूर की थी। यहाँ पे 0-0 किल के साथ जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे लास्ट किल जी लास्ट मैच में एक शानदार बुइया जरूर निकाला था टीम एरो ने यहाँ पे। एंड आगे जरूर बढ़ेंगे टीम डिलेट की बात करूँ तो यहाँ पे 0-0 किल के साथ जरूर देखने को मिलेंगे। एस सी की बात करूँ तो यहाँ पे 0 किल के साथ पूरा स्क्योर्ड। एंड वी ब्रोस इस बार चारों प्लेयर ने जरूर एंट्री मारी थी जी बिल्कुल, यहाँ पे लास्ट मैच में 3 ही प्लेयर आ पाए थे, बट इस बार चारों प्लेयर ने यहाँ पे एंट्री जरूर मार ली। लंबर मिल के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे, सभी प्लेयर्स ने खाता जरूर ओपन किया यहाँ पे अपना एक एक किल के साथ में जी बिल्कुल। एंड मैप पे जरूर नज़र डालते हैं कहीं ना कहीं जोन हमें ब्राजीला एंड फायर ब्रिज के आसपास जरूर देखने को मिलेगा। एंड आउट ऑफ
चौन भी कहीं ना कहीं हमें टीम्स जरूर देखने को मिल सकती है जी। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ टीम्स चौन के अंदर एंट्री करती हुई, टीम डिलीट की बात करूँ तो मैं स्काई लोज के अंदर जरूर देखने को मिलेगी, आउट ऑफ जोन एससी की बात करूँ तो यहाँ पे जी बिल्कुल डेमोन माउथ हाउस के पास जरूर देखने को मिलेंगे आउट ऑफ जोन। बट क्या कुछ रहने वाला है जी, बिल्कुल कुछ टीम्स आउट ऑफ जोन ज़्यादा देखने को मिल रही है, एक बार नज़र जरूर डालेंगे। यहाँ पे एसीएच की बात करूँ तो यहाँ पे जी बिल्कुल मार्बल वर्क्स के अंदर जरूर देखने को मिलेगी, यहाँ पे जोन कहीं ना कहीं श्रिंक होते हुए जरूर देखने को मिलेगा जी बिल्कुल। यहाँ पे 10 टीम्स 34 प्लेयर्स यहाँ पे नादिर की बात करूँ तो यहाँ पे 2 किल के साथ जरूर देखने को मिलेंगे। रिक भाई का यहाँ पे खाता ओपन नहीं हुआ जी बिल्कुल, 0 किल के साथ में। स्मोक की बात करूँ तो यहाँ पे 2 किल जरूर निकाल के रखे, 3 ही प्लेयर्स ने एंट्री किया, लास्ट मैच में शायद 2 ही प्लेयर्स देखने को मिले थे इनके। एंड बात करूँ जी बिल्कुल यहाँ पे ईगल आइस की, लास्ट मैच में 2nd पोजीशन पे जरूर देखने को मिली थी, बट इस बार यहाँ पे सोलो प्लेयर जरूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर इनको एलिमिनेट कर दिया जाता तो यहाँ पे पोजीशन जरूर खो देगी, कहीं ना कहीं 10th पोजीशन पे जरूर देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे बात करूँ मैं जी बिल्कुल तो यहाँ पे इजिली रिवाइव जरूर कर सकते हैं रिवाइव पॉइंट से जी बिल्कुल। यहाँ पे टीम एसीएच काफ़ी ज़्यादा दूर है, अगर एक टाइमली मौका देखकर रिवाइव कर दिया जाए तो बाकी 3 प्लेयर इजीली रिवाइव जरूर हो सकते हैं, बट वही डिसीजन लिया यहाँ से रिवाइव जरूर करेंगे बाकी टीम मेट्स को जी बिल्कुल। ग्लूवल लगा के खुद को सेव जरूर किया, एंड बैकअप के लिए एक ग्लूवल जरूर देखने को मिलेगा जी बिल्कुल यहाँ पर। तो फाइनल यहाँ पे जी बिल्कुल भारत स्पोर्ट की बात करते हो यहाँ पे 4 किल के साथ जरूर देखने को मिलेगा, यहाँ पे 2 किल के साथ फास्टर को यहाँ पे एलिमिनेट जरूर कर दिया गया सामने से एसीएच द्वारा जी बिल्कुल। 3 प्लेयर्स 6 किल के साथ गेम प्ले जरूर करते हुए यहाँ पे नादिर भाई की बात करूँ तो एक शानदार गेम प्ले करते हुए जरूर देखने को मिलेंगे अपनी टीम से 3 किल के साथ में। एनविनी स्मोक की बाइक की बात करूँ तो यहाँ पे 3 किल के साथ जरूर देखने को मिलेंगे, एंड यहाँ पे 1 किल के साथ रिक भाई जरूर देखने को मिले। बाकी टीम्स की भी अगर बात करूँ तो यहाँ पे जी बिल्कुल एच ई एस का स्कोर यहाँ पे हार्डकोर स्कोर का स्कोर 10th पोजीशन पे जरूर एलिमिनेट कर दिया गया है। एफ एस की बात करूँ तो यहाँ पे जी बिल्कुल कहीं ना कहीं 11th पोजीशन पे एलिमिनेट जरूर कर दिया गया है। बाकी जोन काफ़ी ज़्यादा छोटा जरूर देखने को मिला, यहाँ पे 9 टीम्स अलाइव जरूर है। यहाँ पे भारतीय स्पोर्ट्स से डायमंड सोलो प्लेयर्स गुजरात की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 8 सोलो प्लेयर जरूर देखने को मिलेगा, बाकी सारे के सारे अगर 7 स्कोर की बात करूँ तो पूरी तरीके से सेफ जरूर देखने को मिलेंगे। और काफ़ी ज़्यादा छोटा जोन रहने वाला, इस जोन में फाइट्स काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाली है। आइए सभी टीम्स के ऊपर नज़र जरूर डालते हैं क्या कुछ रहने वाला। फिलहाल यहाँ पे एसीएच 8 किल के साथ एक शानदार गेम प्ले करती हुई यहाँ पे जी बिल्कुल ईगल आइस की मैं बात करूँ तो टीम डिलीट से मुकाबला करते हुए देखने को मिलेगी। यहाँ पे दीप वर्सेस एवी सामने की तरफ, एक शानदार किंग फिशर का हेडशॉट और एवी को यहाँ से एलिमिनेट जरूर करेंगे। यहाँ पे दीप बिल्कुल देवा भी कहीं ना कहीं एलिमिनेट जरूर कर दिए गए ईगल आइस से, एक और प्लेयर नॉकआउट कमान जरूर एजब्ल्यू दीप दीप के ऊपर जरूर आ सकती है। दोनों दीप कहाँ तक अपनी टीम की पोजिशन को लेकर जाते हैं। यहाँ पे फिलहाल 9 टीम्स 23 प्लेयर अलाइव देखने को जरूर मिलेंगे यहाँ पे
दीप की बात को तो यहाँ पे 1 किल के साथ जरूर सेफ लीजिए बिल्कुल जोन के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कवर लेके अगर टीम की पोजीशन बचा के रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जरूर रहने वाला है जी बिल्कुल। एंड बात करूँ मैं बिल्कुल गुजराती स्पोर्ट की तो यहाँ पे हर अकेले सोलो प्लेयर जरूर देखने को मिलेंगे। टोटल किल की बात करूँ इनकी टीम की तो यहाँ पे 2 किल के साथ जरूर देखने को मिलेंगे जी बिल्कुल। एंड यहाँ पे भारतीय स्पोर्ट्स से डायमंड सोलो प्लेयर जरूर रहे हैं यहाँ पे जी बिल्कुल। एंड टोटल किल की बात करूँ तो 4 किल के साथ में और सामने से जी बिल्कुल। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सेंट्रल की तरफ तो आप देख सकते हो किस तरीके से एरो की टीम ऑलरेडी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और अगर डायमंड भाई गलती करते हैं तो यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है टीम की पोजीशन बचाने का जी बिल्कुल। एंड यहाँ पे बात की जाए एसजी के स्क्वाड की तो यहाँ पे 6 किल के साथ जरूर कहीं ना कहीं बनी हुई है। टोटो भाई की बात की जाए तो जी बिल्कुल लास्ट मैच में शायद चले नहीं थे, इस मैच में 3 किल के साथ जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे जॉन काफी ज्यादा छोटा जरूर देखने को मिलेगा जी बिल्कुल। आप देख सकते हो तो किस तरीके से जॉन यहाँ पे आपको देखने को मिला और ये जॉन कहीं ना कहीं सभी टीम के लिए दिक्कत जरूर खड़ी करने वाला है यहाँ पे। एंड एसजी का मुकाबला सामने की तरफ वी ब्रोज से होने वाला है और यहाँ पे एक क्या कुछ सामने की तरफ रहने वाले जी बिल्कुल। वी ब्रोज का स्क्वाड सामने की तरफ, टोटो भाई की हालत काफी ज्यादा डाउन, ड्रैगो भाई जी बिल्कुल लास्ट मैच में काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया था अपनी टीम के लिए यहाँ पे ड्रैगो भाई की बात करूँ तो यहाँ पे सिंपल फिलहाल यहाँ पे एसजी से नॉकआउट जरूर कर दिए गए जी बिल्कुल। मुकाबला जी बिल्कुल वी ब्रोज से जरूर रहने वाला है यहाँ पे ड्रैगो भाई। फिलहाल आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे नेट जरूर करेंगे जी बिल्कुल, बट कामयाबी नहीं मिली यहाँ पे। एंड यहाँ पे टोटो भाई जरूर कहीं ना कहीं ड्रैगो भाई से मुकाबला करते हुए सामने से MAC7 vs M10 का मुकाबला ये। और फाइनली यहाँ पे देखा जाए तो टोटो भाई नॉकआउट जरूर है यहाँ पे, एंड वी ब्रोज से ड्रैगो भाई भी नॉकआउट जरूर है, बट यहाँ पे टाइमली रोहित भाई पहुंच चुके थे। एंड यहाँ पे रिवाइव जरूर मिलेगा, यहाँ पे जॉन की तरफ जरूर बढ़ेंगे, यहाँ पे ड्रैगो भाई टोटो जरूर नॉकआउट देखने को मिलेगा, जॉन जरूर श्रिंक होते हुए देखने को मिला। फिलहाल यहाँ पे वी ब्रोज की टीम्स यहाँ पे अंदर एंट्री जरूर करते हुए देखने को मिलेगी। यहाँ पे सुप्रीम भाई की बात की जाए तो यहाँ पे आउट ऑफ जॉन जरूर देखने को मिलेगा। बाकी टीम्स की पोजीशन की मैं बात करूँ तो जी बिल्कुल यहाँ पे ईगल्स आइज के 2 प्लेयर जरूर देखने को मिलेंगे यहाँ पे एससी के स्क्वाड से मुकाबला करते हुए। टीम डीलेट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सचिन सोप्टिक जरूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर बात की जाए एरो की तो जी बिल्कुल यहाँ पे 4 प्लेयर पूरी तरीके से सेफ जरूर देखने को मिलेंगे। ये जोन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जरूर दिक्कत करने वाली है। एंड यहाँ पे जी बिल्कुल ईगल आइस जरूर मुकाबला करते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एसी से डिमोन नॉकआउट जरूर, यहाँ पे रिवाइव जरूर दिया गया। यहाँ पे बात करूँ मैं वी ब्रोज की तो यहाँ पे 1 प्लेयर को जरूर कहीं ना कहीं खो दिया। फिलहाल 8 किल के साथ जरूर गेम प्ले करते हुए यहाँ पे ड्रैगो भाई की मैं बात करूँ तो लास्ट मैच में भी काफी शानदार किल निकाला था। और इस मैच की बात करूँ तो फिलहाल 5 किल के साथ जरूर गेम प्ले करते हुए जरूर देखने को मिलेंगे। एरो की बात करूँ तो जी बिल्कुल लास्ट मैच बुइया जरूर निकाला था। एंड इस बार एरो की टीम जी बिल्कुल 10 किल के साथ जरूर हमारे बीच बनी हुई है। एंड यहाँ पे बात की जाए टीम डिलीट वी ब्रोस एससी एंड एरो 4 अलग अलग टीम जरूर देखने को मिलेगी। यहाँ से कौन सी टीम बुइया निकालने वाली है और मैं चाहता हूँ यहाँ पे वी ब्रोज वर्सेस एरो का मुकाबला जरूर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा जी बिल्कुल। काफ़ी बढ़िया एंड तगड़ी टीम रहने वाली है दोनों जी बिल्कुल, मुकाबला टक्कर का करने वाली है दोनों आमने सामने, बट देखते हैं क्या कुछ रहने वाला। फिलहाल एरो 11 किल के साथ में 1 मैन आर्मी की मैं बात करूँ तो जी बिल्कुल डिलीट से सचिन भाई के साथ सामने की तरफ मुकाबला करेंगे यहाँ पे जी बिल्कुल। एंड जी एक बढ़िया M10 का यूज करते हुए ग्लू वॉल जरूर डाला और ये एक शानदार वन टैप जरूर लगाया 1 मैन आर्मी का। 3रा किल अपने खाते में जरूर जोड़ते हुए देखने को मिलेंगे। लास्ट मैच में 1 मैन आर्मी का गेम प्ले आपने देखा था लास्ट जोन में किस तरीके से इन्होंने बैक टू बैक 3 किल निकाले थे। एंड ये जोन कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर खड़ी करने वाला है बिल्कुल सभी टीम्स के लिए जी बिल्कुल। यहाँ पे 3 टीम्स जरूर अलाई हुए। आइए आगे की टीम बात करें एससी जी बिल्कुल 4 किल के साथ अब कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी होती हुई एससी के लिए। डिमोन एंड एडी कमान संभाल के जरूर बैठे हैं यहाँ पे 10 ग्लू वॉल के साथ डेमोन जरूर देखने को मिलेंगे जी बिल्कुल। यहाँ पे एडी फिलहाल यहाँ पे फंस जरूर चुके हैं, सामने ऊपर की तरफ एडवांटेज जरूर लेते हुए देखने को मिलेगी टीम एरो। एंड यहाँ पे वी ब्रोस से रोहित सोलो प्लेयर एक बार फिर एक बुइया जरूर अपने हाथों से खोएंगे अच्छे किल के साथ वी ब्रोस जी बिल्कुल। देखते हैं रोहित भाई कब तक कमान संभाल के बैठते हैं यहाँ पे। एंड बात की जाए यहाँ पे एरो से, यस जी बिल्कुल टीम एरो 14 किल के साथ गेम प्ले करते हुए जरूर देखने को मिलेगी जी बिल्कुल। यहाँ पे सामने की तरफ एससी कहीं ना कहीं मुसीबतों में जरूर फंसते हुए जरूर देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे जॉन जरूर सामने की तरफ, एंड यहाँ पे लॉन्चर का जरूर यूज किया यस ने। एंड सामने की तरफ जी बिल्कुल किल जरूर कंफर्म करेंगे, काफी लॉन्ग रेंज में जरूर डाला था लॉन्चर, बट यहाँ पे कामयाबी जरूर मिली है। यहाँ पे अंश जरूर नॉकआउट 1v4 की सिचुएशन यहाँ पे वी ब्रोस से रोहित जॉन में जाने में यहाँ पे दिक्कत जरूर। और फाइनली अंश का एक शानदार हेडशॉट एंड बैक टू बैक यहाँ पे सेकंड बुइया जरूर टीम एरो के खाते में जाते हुए देखने को मिलेगा जी बिल्कुल। यहाँ पे एक बार फिर MVP यहाँ पे इस बार AB डिवाइन जरूर देखने को मिलेंगे, बैक टू बैक सेकंड बुइया टीम एरो के खाते में जी बिल्कुल। यहाँ पे आइए मैच के रिजल्ट पर नज़र जरूर डालते हैं। एरो के अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो जी बिल्कुल 17 किल के साथ एक शानदार बुइया जरूर निकाला। एंड वी ब्रूज की मैं अगर बात करूँ यहाँ पे तो 9 किल के साथ जरूर
सेकंड पोजीशन पर देखने को मिलेगी। एनएससी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वॉर गिल के साथ थर्ड पोजीशन पर जरूर देखने को मिलेगी। ये बैक टू बैक सेकंड भुया जरूर देखने को मिला हमें टीम एरो की तरफ से। जी बिल्कुल, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आज के लास्ट मैच के अंदर। जी बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक जरूर लेंगे यहाँ पे। तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया, तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहता है। तेरे बिना नामुमकिन है। तो फाइनली आज के हमारे लास्ट मैच, जी बिल्कुल, कलहरी का जो मैच रहने वाला है, इस मैच में हमने जरूर एंट्री कर ली है यहाँ पे। एंड बैक टू बैक एरो ने दो भुया जरूर निकाला फर्स्ट एंड सेकंड मैच में। एंड इस बार इंतजार रहेगा बैक टू बैक अगर तीसरा भुया भी एरो यहाँ से निकाल के ले जाए तो कहना ही क्या, लाजवाब बात हो जाएगी यहाँ पे। फिलहाल शुरुआती दौर में हमारी नज़र जरूर पड़ी है एच ई एस के स्क्वाड पे। जी बिल्कुल, जो लास्ट मैच में काफ़ी बेकार पोजिशन पे कहीं ना कहीं एलिवेट जरूर हो चुके थे, बट देखते हैं इस बार क्या रहने वाला। फाउंडेशन में जरूर एंट्री मारी है यहाँ पे स्नैक्स अक्सर ठाकुर एंड वरुण भाई ने। जी बिल्कुल, यहाँ पे फिलहाल लूट जरूर करेंगे, यहाँ पे सेफ लैंडिंग जरूर देखने को मिली है ना, आगे की तरफ जरूर बढ़ेंगे यहाँ पे। जी बिल्कुल, एस सी वर्सेज भारत स्पोर्ट मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा यहाँ पे। बात की जाए अगजल, जी बिल्कुल सामने की तरफ। एंड यहाँ पे गॉडफादर को जरूर नॉकआउट किया गया यहाँ पे ऋषभ भाई। जी बिल्कुल, दूसरा किल अगजल के खाते में जाते हुए जरूर देखने को मिलेगा यहाँ पे। थोड़ा सा कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हुआ है यहाँ पे गुजराती स्पोर्ट को, और भारतीय स्पोर्ट ने इसका पूरा फायदा जरूर उठाया यहाँ पे। तीसरा किल जरूर भारतीय स्पोर्ट के खाते में जाते हुए जरूर देखने को मिलेगा यहाँ पे। सामने की तरफ जेडी चौधरी सोलो प्लेयर जरूर है, अगर यहाँ से नहीं निकल पाए तो कहीं ना कहीं एलिमिनेट जरूर कर दिए जाएंगे इलेवंथ पोजिशन पर। जी बिल्कुल, टीम गुजरात को। एंड यहाँ पे बात की जाए डायमंड भाई के खाते में एक किल जरूर देखने को मिलेगा। फास्टर की बात करूँ तो जीरो किल के साथ जेडी चौधरी के पीछे की तरफ जाते हुए देखने को मिला। अगजल दो किल के साथ में जरूर देखने को मिला। क्या हाल है गुरुजी, बढ़िया। माधव भाई आप बताइए कैसे हो। एंड यहाँ पे बात की जाए एस जी की तो यहाँ पे इन्हें भी कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हुआ है। जी बिल्कुल, सामने की तरफ जी बिल्कुल एफ एस का स्कोर जरूर मुकाबला करते हुए यहाँ पे आलान को एलिमिनेट जरूर कर दिया गया। बात की जाए यहाँ पे सिंपल, जी बिल्कुल दूसरा प्लेयर यहाँ पे जरूर एलिमिनेट हुआ है एस जी का। यहाँ पे टोटो एंड सेन के कंधों पर जरूर कमान। एंड कब तक खुद को यहाँ पे रोक पाएंगे, एक बार पोजिशन जरूर देख लूँ मैं एफ सी के स्क्वाड की। तो यहाँ पे जी बिल्कुल लिफॉक्स पीछे की तरफ जरूर है, अगर एक कवर फायर देखे काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे एडवांटेज जरूर ले सकते हैं पीछे होने का। जी बिल्कुल, शायद प्लेयर कहीं ना कहीं बेखबर जरूर यहाँ पे एम पी 40 का यूज। फाइनली यहाँ पे लिफॉक्स नॉकआउट जरूर कर दिया गया, अगर टाइमली टीममेट्स नहीं पहुंचते हैं तो यहाँ पे एलिमिनेट भी जरूर कर दिए जाएंगे। एक और किल जरूर कंफर्म किया है यहाँ पे टीम एस जी ने। जी बिल्कुल, यहाँ पे 2v2 की सिचुएशन आमने सामने जरूर देखने को मिल गया। फिरोज एंड एनी एंड टोटो आमने सामने जरूर देखने को मिल गया। फिलहाल यहाँ पे एनी का एक बढ़िया सा रोटेशन, दोनों प्लेयर ने यहाँ पे रोटेशन जरूर लिया, पीजी की तरफ जरूर जाने का डिसीजन लिया यहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से। जी बिल्कुल, यहाँ पे तो किल के साथ जरूर देखने को मिलेंगे यहाँ पे। एंड आगे जरूर बढ़ते हैं, यहाँ पे बात की जाए टीम एरो की। जी बिल्कुल, शुरुआती दौर में चार किल अपने खाते में जरूर यहाँ पे निकाल के रखे हैं, एक स्क्वाड यहाँ पे एलिमिनेट जरूर हुआ है। बात की जाए यहाँ पे टीम गुजरात को जरूर एलिमिनेट कर दिया गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पे एंड बात करूँ यहाँ पे मैं ए बी डी वाइन के गेम प्ले की, तो काफ़ी शानदार गेम प्ले रहता है यहाँ पे। बैक टू बैक तीसरे मैच में हम इनका गेम प्ले जरूर देख रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे दो किल जरूर निकाल लिया शुरुआती दौर में। एंड मैं बात करूँ अंश भाई की तो उनके खाते में भी दो किल जरूर देखने को मिलेगा यहाँ पे। सामने की तरफ एक स्क्वाड जी बिल्कुल मुकाबला करते हुए जरूर देखने को मिलेगा यहाँ पे। किल जरूर कन्फर्म कर दिया गया मेरे ख्याल से यहाँ पे एरो, इसने एक रोटेशन जरूर लिया था। एंड देख लेते हैं जी बिल्कुल, पाँचवा किल इनके खाते में जरूर आते हुए देखने को मिलेगा। एंड ब्लू जोन के अंदर पूरी तरीके से कब्जा जरूर कर लिया है यहाँ पे टीम एरो ने। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बैक टू बैक तीसरा भुया भी निकालने की कोशिश जरूर करेगी टीम एरो यहाँ पे। जी बिल्कुल,
एंड आगे की तरफ बढ़ते हैं। टीम डिलीट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक प्लेयर को जरूर खोया है एवी को, एंड देखते हैं कब तक यहाँ पे रुक पाएगी टीम डिलीट जी। बिल्कुल फिलहाल 0-0 किल के साथ यहाँ पे फिलहाल रिवाइव पॉइंट से रिवाइव करने की कोशिश जरूर करेंगे। यहाँ पे सेफ जरूर है, यहाँ पे खुद को रोक के जरूर रखा है। बात की जाए वी ब्रोस जी, बिल्कुल शुरुआती दौर में 3 किल जरूर निकाल के रखे हैं। वी ब्रोस से मैं बात करूँ ट्रैको भाई की जी, बिल्कुल शानदार गेम प्ले इनका भी रहता है। वी ब्रोस से शुरुआती दौर में 2 किल जरूर निकाल लिया। रोहित भाई की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1 किल के साथ जरूर देखने को मिलेंगे, काफी शानदार गेम प्ले के साथ में। बाकी स्टैकलर एवं सुप्रीम भाई फिलहाल 0-0 किल के साथ जरूर देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं पोजीशन जरूर बना लेती है वी ब्रोस की ये टीम, सेकंड पोजीशन बैक टू बैक 2 मैचेस में बनाई थी जी। बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन पे टीम एरो जरूर देखने को मिली थी। इनका कुछ रहने वाला इस मैच का रिजल्ट, टक्कर की टीम जरूर रहने वाली है दोनों आमने सामने जी। बिल्कुल टीम एरो एंड वी ब्रोस पर देखते हैं क्या रहने वाला है यहाँ पे जी। बिल्कुल आगे जरूर बढ़ेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ मैं बात करूँ जी बिल्कुल HYS से, यहाँ पे सोलो प्लेयर जरूर देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे कब तक टिक पाएंगे, सामने की तरफ टीम एड जरूर एंट्री करते हुए देखने को मिलेंगे। फिलहाल रोक के जरूर रुका ईगल आइस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जी बिल्कुल सामने की तरफ जरूर प्लेयर्स एनिमी आते हुए जरूर देखने को मिला। फिलहाल यहाँ पे 1 किल जरूर निकाला है AGW दीप ने यहाँ पे, एंड बट देखते हैं कब तक यहाँ पे ये टिक पाएगी ईगल आइस की टीम। लास्ट मैचेस में कहीं ना कहीं पोजीशन जरूर खो दी थी और फर्स्ट मैच में सेकंड पोजीशन पे जरूर देखने को मिली थी 5 किल के साथ। फिलहाल यहाँ पे लॉन्च पैड का यूज़ जरूर करेंगे एंड देखते हैं क्या रहने वाला है यहाँ पे। ईगल्स आई का रोटेशन यहाँ पे जी बिल्कुल, यहाँ पे देवा भाई 0 किल के साथ जरूर देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर बात करें दीप एंड 0 किल के साथ यहाँ पे टीम 10 के पास कहीं ना कहीं टीम डिलीट के पास यहाँ पे एंट्री जरूर मारी है। बट देखते हैं यहाँ पे क्या रोटेशन है, टीम डिलीट के प्लेयर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आगे की तरफ जरूर बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सॉरी वी ब्रोस, यहाँ पे ईगल आइस का मुकाबला वी ब्रोस से जरूर होने वाला है। वी ब्रोस से रोहित यहाँ पे सोलो प्लेयर जरूर देखने को मिलेंगे। देखते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं मुसीबत में नहीं फंस जाए जी। बिल्कुल ईगल आइस फिलहाल कहीं ना कहीं बेखबर जरूर है। अगर यहाँ पे रोहित भाई अगर छोटी सी मिस्टेक करता है यहाँ पे 1v4 की सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे दिक्कत जरूर हो सकती है जी। बिल्कुल यहाँ पे बट देखते हैं क्या रहने वाला है यहाँ पे। फिलहाल रोहित भाई ने आगे की तरफ जरूर रस तो जरूर कर दिया, पीछे जाने का नाम ले नहीं रहे यहाँ पे। एंड 1v4 की सिचुएशन यहाँ पे वी ब्रोस से रोहित भाई हैंडल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पे देवा भाई आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे मुकाबला जी बिल्कुल देवा वर्सेज रोहित आमने सामने जरूर देखने को मिलेंगे यहाँ पे। एंड फिलहाल थोड़ा सा कैमरे को जरूर पास में लेकर देखते हैं यहाँ पे क्या रहने वाला है वी ब्रोस एंड ईगल आइस का रोटेशन जी। बिल्कुल नेट करने की कोशिश कामयाबी नहीं मिली, नेट थोड़ा सा बैक जरूर हुआ है यहाँ पे। एंड देवा भाई जी बिल्कुल 1v4 की सिचुएशन में यहाँ पे रोहित भाई जरूर फंस चुके हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे, बट फाइनली यहाँ पे किल जरूर कन्फर्म किया। और यहाँ पे AGW दीप द्वारा जी बिल्कुल किल कंफर्म किया गया। यहाँ पे इमोट बाजी भी कहीं ना कहीं ये जो एक काफ़ी ज़्यादा गलत जरूर रहने वाला है यहाँ पे। बाकी बात की जाए तो पीछे की तरफ आप HES का स्क्वाड जरूर देख सकते हैं, क्या रोटेशन HES का स्क्वाड का जी। बिल्कुल इस बार पोजीशन बनाने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। एक तरफ डेंजर जोन जरूर देखने को मिल रहा है आपको, तो यहाँ पे किसी भी तरह की टीम एंट्री करती है तो थोड़ा सा दिक्कत जरूर कर सकती है। फिलहाल यहाँ पे ईगल आई सेफ जरूर है पूरी तरीके से जी। बिल्कुल यहाँ पे 3रा किल अपने खाते में जरूर जोड़ा है, दूसरा किल दीप भाई के खाते में जरूर जाते हुए देखने को मिल रहा है जी। बिल्कुल यहाँ पे बात की जाए HES ने शुरुआती दौर में एक प्लेयर को जरूर खोया है स्नैक्स को, एंड 4 किल जरूर यहाँ पे देखने को मिले। बट यहाँ पे स्नैक्स भाई को वापसी रिवाइव जरूर मिला, एक और मौका मिला अपना गेम प्ले प्रूव करने के लिए जी। बिल्कुल यहाँ पे एंड अक्षर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 किल के जरूर निकाल के रखे अपनी टीम के लिए। एंड बात की जाए ठाकुर जी बिल्कुल 0 किल के साथ में थर के ठाकुर जरूर देखने को मिलेंगे हमें यहाँ पे। वरुण भाई की बात की जाए तो यहाँ पे 1 किल के साथ जरूर देखने को मिलेंगे या स्नैक्स फिलहाल अपनी टीम के पास यहाँ पे लैंड करते हुए जरूर देखने को मिलेंगे। एंड बात की जाए भारत स्पोर्ट इस बार काफ़ी बढ़िया तरीके से गेम प्ले जरूर किया है यहाँ पे, शुरुआती दौर में 7 किल जरूर निकाल के रखे हैं। यहाँ पे चारों प्लेयर पूरी तरीके से सेफ गेम प्ले करते हुए जरूर देखने को मिलेंगे यहाँ पे 7 किल के साथ में। एंड यहाँ पे बात की जाए SG से जी बिल्कुल अलान को रिवाइव जरूर मिला है यहाँ पे, देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है। 3 प्लेयर जी बिल्कुल यहाँ पे सेफ जरूर है, 1 प्लेयर बाकी है अभी सिंपल भाई को यहाँ पे रिवाइव मिलना। एंड टोटल किल की बात करूँ तो यहाँ पे 2 किल के साथ जरूर देखने को मिलेंगे जी बिल्कुल यहाँ पे। एंड अलान फिलहाल यहाँ पे जी बिल्कुल लैंड जरूर कर चुके हैं। एंड यहाँ पे एरो की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जी बिल्कुल 6 किल के साथ एरो की टीम जरूर देखने को मिलेगी यहाँ पे। 7 स्क्वाड जी बिल्कुल यहाँ पे 4 स्क्वाड एलिमेंट जरूर कर दिए गए जी बिल्कुल 21 प्लेयर के साथ में। एंड यहाँ पे बात करूँ मैं जी बिल्कुल सामने की तरफ टीम डिलेट से मुकाबला जरूर करेगी। एंड यहाँ पे 1v3 की सिचुएशन जरूर 1v आर्मी यहाँ पे जी बिल्कुल M18 का यूज़ करते हुए जी बिल्कुल यहाँ पे मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए डिवाइन भाई जरूर पहुँच चुके हैं, देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है जी बिल्कुल। और
फाइनली यहाँ पे टीम डिलेट के प्लेयर को, जी बिल्कुल, एरो यस द्वारा दूसरा किल अपने खाते में जरूर लिया गया है। डिवाइन भाई 3 किल के साथ ऊपर की तरफ शॉट कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, जी बिल्कुल, डबल स्नाइपर का यूज़ करते हुए जरूर देखने को मिलेंगे यहाँ पे ए बी डिवाइन, एंड काफ़ी बढ़िया स्नाइपिंग करते हुए देखने को मिल रहा है। ऊपर किल जरूर कन्फर्म करेंगे जी बिल्कुल, पर थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो रही है यहाँ से शॉट कनेक्ट करने में, बट देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है। जी बिल्कुल, किल कन्फर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जी बिल्कुल, यहाँ पे डबल एम एड 2v का यूज़ करते हुए यहाँ पे ए बी डिवाइन इस बार सोचा है कि कुछ बढ़िया सा गेम प्ले जरूर करना है अपनी टीम के लिए। जी बिल्कुल, बैक टू बैक दोनों मैच में जरूर शानदार किल निकाल के दिए थे, बट देखते हैं इस मैच में क्या कुछ रहने वाला है। यस की मैं बात करूँ यहाँ पे 2 किल के साथ जरूर देखने को मिलेंगे जी बिल्कुल, यहाँ पे 1 मैन आर्मी 0 किल के साथ में ऊपर की तरफ टीम को रिवाइव जरूर मिला, यहाँ पे फार्मर्स का यूज़ करते हुए जरूर देखने को मिलेंगे यहाँ पे, एंड फिलहाल ऊपर की तरफ प्लेयर पूरी तरीके से सेफ जरूर देखने को मिलेंगे, एंड क्या कुछ रहने वाला। टीम डिलीट की मैं बात करूँ तो जी बिल्कुल, यहाँ पे एवी को रिवाइव जरूर दिया जा रहा है सॉफ्टिक द्वारा, जी बिल्कुल, रिवाइव पॉइंट से फिलहाल सेफली रिवाइव जरूर कर दिए जाएंगे यहाँ पे जी बिल्कुल, यहाँ पे कामयाबी जरूर मिली है रिवाइव करने में, बट देखते हैं क्या कुछ। ऊपर की तरफ एंट्री जरूर मार चुके हैं, देखते हैं क्या रहने वाला बाकी टीम 11 से। जी बिल्कुल, सोलो प्लेयर जरूर देखने को मिलेंगे, काफ़ी देर से अपनी टीम की कमान जरूर संभाल के बैठे हैं। बात की जाए जी बिल्कुल ईगल आइज की, तो यहाँ पे 3 किल के साथ में जी बिल्कुल देखने को जरूर मिलेगी यहाँ पे जी बिल्कुल, दीप भाई को रिवाइव जरूर मिला, एंड देखते हैं क्या कुछ रहना। और देवा भाई 1 किल के साथ जरूर देखने को मिलेगा, AGW दीप यहाँ पे 2 किल के साथ लैंड जरूर कर चुके हैं, पर सामने की तरफ टीम 2HES का स्क्वाड जरूर देखने को मिलेगा, यहाँ पे नज़र पड़ती है तो कहीं ना कहीं AW दीप के लिए कहीं ना कहीं मुसीबतें जरूर खड़ी कर सकती है जी बिल्कुल। यहाँ पे HES का स्क्वाड जरूर एक बार नज़र जरूर डालेंगे जी बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से अक्सर स्नैक्स एंड ठाकुर जी बिल्कुल जॉन की तरफ बढ़ते हुए, फिलहाल यहाँ पे वरुण भाई भी आउट ऑफ जॉन, अगर AW दीप पर कहीं नज़र पड़ी तो यहाँ पे ईगल्स आई के लिए बैड लक जरूर रहने वाला है, बट देखते हैं यहाँ पे व्हीकल का यूज करेंगे या फिर जी बिल्कुल जॉन की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे काफी तेजी से जॉन की तरफ बढ़ते हुए, यहाँ पे सामने लॉन्च पैड भी है, तो यहाँ पे अगर लॉन्च पैड का यूज करते हैं यहाँ पे जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नजर जरूर पड़ चुकी है यहाँ पे HES की, बट देखते हैं क्या रहने वाला है यहाँ पे AGW दीप का ईगल आई से टीम के लिए रोटेशन किस तरीके से यहाँ से रोटेशन मारने वाले हैं अपनी टीम को बचाने के लिए। एक प्लेयर को ऑलरेडी अभी यहीं पे खो जरूर चुके हैं, यहाँ पे सामने की तरफ वरुण को नॉकआउट जरूर किया है, किल जरूर कंफर्म करेंगे बट यहाँ पे नॉकआउट जरूर, एंड फाइनली यहाँ पे ठाकुर की एंट्री और यहाँ पे सॉरी अक्सर की एंट्री और यहाँ पे रिवाइव जरूर मिल चुका है, कल जरूर कन्फर्म किया, कमान जरूर दीप भाई एंड देवा भाई के ऊपर जरूर आ चुकी है, यहाँ पे फाउंडेशन पर जरूर देखने को मिलेंगे, एंड क्या कुछ रहने वाला है यहाँ पे बाकी 2 प्लेयर को रिवाइव करने के लिए। जी बिल्कुल, 10 मिनट जरूर हो चुके हैं मैच को हमारे को चलते हुए, एंड यहाँ पे 7 टीम्स अभी तक 21 प्लेयर अलाइव जरूर देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अब 2 प्लेयर को यहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़िया तरीके से कैंपिंग करके प्लेयर की टीम की पोजिशन जरूर बचा के रखनी होगी जी बिल्कुल यहाँ पे, एंड बात करूँ मैं यहाँ पे HES काफ़ी बढ़िया तरीके से गेम प्ले जरूर किया यहाँ पे, 8 किल के साथ जरूर गेम प्ले करते हुए देखने को मिलेंगे। इस बार बात करूँ मैं यहाँ पे अक्सर भाई 4 किल के साथ जरूर देखने को मिलेंगे, ऊपर की तरफ जरूर जाते हुए यहाँ पे सेफली जी बिल्कुल यहाँ पे ऊपर जरूर पहुंच चुका है पूरा का पूरा स्क्वाड 8 किल के साथ जरूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ठाकुर भाई की बात की जाए तो यहाँ पे 1 किल के साथ जरूर देखने को मिलेंगे यहाँ पे ठाकुर जी बिल्कुल, यहाँ पे वरुण 2 किल के साथ में जरूर बने हुए हैं। यहाँ पे स्नैक्स की बात करूँ तो 1 किल के साथ जरूर देखने को मिलेंगे जी बिल्कुल, यहाँ पे भारतीय स्पोर्ट्स 7 किल के साथ अभी भी हमारे साथ जरूर बनी हुई है, इस बार काफ़ी सेफली गेम प्ले जरूर किया है यहाँ पे भारत ई स्पोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो जी बिल्कुल। यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरीके से पोजीशन भी बचा के रखी है, काफ़ी बढ़िया किल भी जरूर निकाल के रखा है, लास्ट मैच में कहीं ना कहीं पोजीशन जरूर खो दी थी। यानी यहाँ पे अगर मैप की मैं बात करूँ तो जी बिल्कुल आप देख सकते हो किस तरीके से ओपन में जरूर कहीं ना कहीं जॉन जाने वाला है, एंड यहाँ पे ईगल आइज की टीम फाउंडेशन के पास जरूर देखने को मिलेगी। एंड SG की मैं बात करूँ यहाँ पे तो जी बिल्कुल थोड़ा सा रिफाइनरी के आउटसाइड जरूर देखने को मिलेगी, एंड टीम 7 जी बिल्कुल यहाँ पे एरो वर्सेस टीम डिलीट का मुकाबला जरूर होने वाला है। यहाँ पे इस बार वी ब्रोज का सफर कहीं ना कहीं 8th पोजीशन पे जरूर खत्म हुआ है, यहाँ पे मुकाबला जरूर देखेंगे टीम एरो वर्सेस टीम डिलीट क्या कुछ रहने वाला है यहाँ पे जी बिल्कुल। यहाँ पे फिलहाल एरो कहीं ना कहीं एंट्री मारते हुए जरूर देखने को मिलेगी जी बिल्कुल यहाँ पे, एंड आगे की तरफ जरूर बढ़ते हैं। एरो की मैं बात करूँ तो बिल्कुल यहाँ पे डिलीट के आसपास कहीं ना कहीं पहुँच जरूर गई है, एंड बात की जाए टोटल किल की तो यहाँ पे टीम एरो 10 किल के साथ जरूर देखने को मिलेगी जी बिल्कुल यहाँ पे, एंड 1 मैन आर्मी का खाता इस बार नहीं खुला है जी बिल्कुल। लास्ट जोन में कहीं ना कहीं जाते जाते ये अपना खाता जरूर खोल लेते हैं, लास्ट जोन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जी बिल्कुल एरो को काफ़ी बड़ा झटका जरूर लगा जी बिल्कुल, काफ़ी शानदार जाने माने प्लेयर AB डिवाइन यहाँ पे नॉकआउट जरूर कर दिया गया एरो के जी बिल्कुल। अगर यहाँ पे एरो का सफर खत्म हुआ तो जी बिल्कुल यहाँ पे रिकॉर्ड जरूर टूटेगा, नहीं तो बैक टू बैक तीसरा भूया जरूर यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जी बिल्कुल डिलेट से सॉफ्टिक सामने की तरफ नॉकआउट, एंड यहाँ पे एरो यस जरूर नॉकआउट कर दिया गया, यहाँ पे AB डिवाइन को जरूर
रिवाइव मिला जी बिल्कुल, वन मैन आर्मी सामने की तरफ जी बिल्कुल वापसी जरूर गए हैं जी बिल्कुल। यहाँ पे टीममेट को रिवाइव देना काफी ज्यादा जरूरी है, यहाँ पे ग्लूवल जरूर डाला, यहाँ पे रिवाइव जरूर कर रहे हैं जी बिल्कुल यस को जी बिल्कुल। यहाँ पे काफी बढ़िया कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है आपका टीम एरो का जी बिल्कुल, किस तरीके से वापसी की एंड यहाँ पे वन मैन आर्मी द्वारा रिवाइव जरूर कर दिया गया, एक किल इनके खाते में आते हुए जरूर देखने को मिलेगा जी बिल्कुल। यहाँ पे एक और टीम कम होते हुए जरूर देखने को मिलेगी, यहाँ पे सिक्स टीम्स 16 प्लेयर्स जरूर देखने को मिलेंगे, पहले सेवन टीम्स 21 प्लेयर थे यहाँ पे एंड सामने की तरफ कुछ प्लेयर्स लैंड करते हुए जरूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भारतीय स्पोर्ट के एक सोलो प्लेयर जरूर देखने को मिलेंगे, देखते हैं कहाँ तक वो खुद को रोक पाते हैं जी बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ भारतीय स्पोर्ट की तो भाई साहब यहाँ पे शील्ड भाई ने जो एंट्री मारी है कहना ही क्या, अगर कोई देखे तो भी वहाँ तक ना पहुँच पाए जी बिल्कुल। एंड कहीं ना कहीं जॉन जरूर श्रिंक होते हुए देखने को मिलेगा यहाँ पे जी बिल्कुल, ईगल आई से देवा अगर सोलो प्लेयर जरूर देखने को मिलेगा यहाँ पे, एच ई एस से ठाकुर जरूर नॉकआउट कर दिया गया, मुसीबत में जरूर फंसते हुए देखने को मिलेगा। भारत ई स्पोर्ट फिलहाल पूरी तरीके सेफ जरूर है और यहाँ पे जी बिल्कुल ईगल आइज का सफर खत्म होते हुए यहाँ पे देखने को मिलेगा टॉप फाइव पोजिशन पे। एंड यहाँ पे एच ई एस भी कहीं ना कहीं मुसीबत में जरूर जी बिल्कुल यहाँ पे एरो से मुकाबला करते हुए, स्नैक्स एंड अक्सर सोलो प्लेयर जरूर देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे जी बिल्कुल एरो से अंश को भी कहीं ना कहीं इन्होंने एक प्लेयर को जरूर खोया, फिलहाल 12 किल के साथ टीम एरो मुकाबला करते हुए जरूर देखने को मिलेगी जी बिल्कुल। वन मैन आर्मी के खाते में एक किल, यहाँ पे एरो यस को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ते हुए देखने को मिला, यहाँ पे मुकाबला जरूर करेंगे जी बिल्कुल। यहाँ पे सामने की तरफ स्रैक्स नॉकआउट एंड एच ई एस का भी सफर कहीं ना कहीं खत्म होते हुए देखने को जरूर मिल रहा है यहाँ पे जी बिल्कुल, ग्लू वॉल जरूर मारा यहाँ पे वन मैन आर्मी, आगे की तरफ जरूर बढ़ेंगे यहाँ पे जी बिल्कुल। यहाँ पे एंड अक्सर इस बार नॉकआउट, स्नैक्स की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिल रही है, ग्लू वॉल लगा के यहाँ पे अगर रिवाइव नहीं किया गया, टाइमली मेडिकल का यूज़ नहीं किया गया तो यहाँ पे जी बिल्कुल। और फाइनली वन मैन आर्मी के खाते में एक और किल जाते हुए फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे एच ई एस का सफर खत्म होते हुए जरूर देखने को मिलेगा जी बिल्कुल। यहाँ पे इस बार भारत ई स्पोर्ट जरूर कहीं ना कहीं कमान संभाल के बैठी है, टीम डीलिट के एक प्लेयर शील्ड यहाँ पे जरूर है, यहाँ पे देख सकते हो तो प्लेयर की पोजीशन, एरो को फिलहाल यहाँ पे जॉन की तरफ जरूर बढ़ना होगा जी बिल्कुल। यहाँ पे एरो से ए बी डिवाइन यहाँ पे एलिमेट जरूर कर दिए गए हैं, यहाँ पे भारतीय स्पोर्ट्स से ऋषभ जरूर नॉकआउट, यहाँ पे सिल्ड सोलो प्लेयर जरूर देखने को मिलेंगे, टीम डिलीट से काफ़ी बढ़िया तरीके से पोजीशन बना के जरूर बैठे हैं। यहाँ पे मुकाबला कहीं ना कहीं 3v2v1 का जरूर देखने को मिलेगा जी बिल्कुल, एरो के दो प्लेयर यहाँ पे, भारतीय स्पोर्ट के तीन प्लेयर एंड सिल्ड टीम डिलीट के एक प्लेयर जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर एरो बुइया कर देती है तो बैक टू बैक तीसरा बुइया जरूर देखने को मिलेगा, एरो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स के अंदर ऊपर तक जा सकती है जी बिल्कुल। बट यहाँ पे वन मैन आर्मी, यहाँ पे एरो यस थोड़ा सा पीछे की तरफ जरूर देखने को मिलेगा, काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे एरो की पूरी टीम वापसी रिवाइव जरूर कर दी गई है। वन मैन आर्मी की अगर मैं बात करूँ तो रियल में काफ़ी शानदार यहाँ पे दिमाग का यूज़ करके पूरा का पूरा स्क्वाड यहाँ पे टाइमली रिवाइव जरूर यहाँ पे एरो से यस जरूर नॉकआउट कर दिए गए हैं। बाकी तीन प्लेयर अंश एंड ए बी डिवाइन की मैं बात करूँ तो डिवाइन भाई का गेम प्ले काफ़ी बढ़िया रहता है, यहाँ पे एक रिवाइव जरूर मिला बट यहाँ पे नेड काम नहीं आया। यहाँ पे जी बिल्कुल यहाँ पे टीम सील्ड डिलीट के प्लेयर ने यहाँ पे एंट्री जरूर मारी है, यहाँ पे वन मैन आर्मी जी बिल्कुल ऋषभ बिल्कुल, यहाँ पे भारतीय स्पोर्ट के प्लेयर भी रिवाइव हुए बट यहाँ पे ऋषभ को जरूर नॉकआउट किया है एंड देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है। यहाँ पे फास्टर भाई सामने की तरफ जरूर रिवाइव हुए, यहाँ पे तीन अलग अलग टीम्स एट प्लेयर जरूर देखने को मिलेगा यहाँ पे जी बिल्कुल। वन मैन आर्मी सामने की तरफ कमान संभाल लगे, 1v2 की सिचुएशन यहाँ पे एंड खुद को सेफ जरूर किया, अंदर की तरफ लेके गए, देखते क्या कुछ रहने वाला है यहाँ पे वन मैन आर्मी की तरफ से जी बिल्कुल। भारतीय स्पोर्ट 1v3 की सिचुएशन यहाँ पे रोक के जरूर रखा जी बिल्कुल, यहाँ पे टाइमली जरूर पहुंच चुकी है, यहाँ पे देखते बात की जाए यहाँ पे एरो की टीम ने बढ़िया कोऑर्डिनेशन के साथ बाकी दो प्लेयर यहाँ पे वन मैन आर्मी को जी बिल्कुल कवर देने के लिए पहुंच चुके हैं। मेरे को लगता है बैक टू बैक तीसरा भूया यहाँ पे टीम एरो के खाते में जाते हुए देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक शानदार गेम प्ले जरूर करते हुए देखने को मिल रही है टीम एरो की। अगर मैं बात करूँ तो टाइमली जरूर कवर देने के लिए इनके टीममेट्स यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ पे सील्ड बाई कहीं ना कहीं एलिमेट जरूर हो जाएंगे एंड पॉइंट नहीं देंगे जी बिल्कुल। और बैक टू बैक यहाँ पे तीसरा भूया जी बिल्कुल टीम एरो के खाते में जाते हुए देखने को मिलेगा, बट इस बार एमवीपी एरो से अंश जरूर देखने को मिलेगा जी बिल्कुल। यहाँ पे बैक टू बैक तीसरा भूया जरूर निकला यहाँ पे टीम एरो का जी बिल्कुल, काफी बढ़िया किल के साथ में। आइए मैच के रिजल्ट पे नजर जरूर डालते हैं जी बिल्कुल। यहाँ पे एरो की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 18 किल के साथ जरूर देखने को मिलेंगे, टीम डिलीट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 किल के साथ सेकंड पोजीशन पे जरूर देखने को मिलेंगे। भारतीय स्पोर्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 14 किल के साथ थर्ड पोजिशन पे जरूर देखने को मिलेंगे जी बिल्कुल। आज के हमारे ग्रुप बी एंड सी के मैचेस यहीं समाप्त होते हैं, बाकी मिलते हैं कल की लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए सभी को अलविदा, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।